जब भी उनके लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न आता है केंद्र के मंत्रियों के साथ बड़ा झगड़ा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये टर्मरिक बोर्ड के लिए अरविंद धर्मपुरी ने केंद्र में सबके साथ झगड़ा किया और आज प्रधानमंत्री जी ने यहीं आकर टर्मरिक बोर्ड की घोषणा कर दी और अब हल्दी के किसानों को, टर्मरिक के किसानों को न केवल दाम मिलेगा, इसकी मेडिकल वैल्यू की रिसर्च के लिए 200 करोड़ का सेंटर भी हम बनाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, केसीआर सालों से टर्मरिक बोर्ड नहीं बनाते थे, ये राज्य सरकार भी बना सकती थी, मगर मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड बनाकर उत्तर तेलंगाना के सारे किसानों की पुरानी समस्या का समाधान किया। अब ये धर्मपुरी मेरे पीछे पड़े हैं कि यहां पर 3 शुगर फैक्ट्रियां है, इसको रिवाइव कर दो, करनी चाहिए ना। देखो भाई, मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार बनेगी वो और भारत सरकार तीनों शुगर फैक्ट्रियों को रिवाइव कर फिर किसानों को देंगे। इसके साथ साथ मक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहां पर डाला जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे तेलंगाना में लाखों बीड़ी के वर्कर है या नहीं है? ये निजामाबाद में भी 3 लाख से ज्यादा बीड़ी वर्कर है। अब करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, इसका उपयोग क्या? हमने तय किया है बीड़ी के वर्कर के लिए 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल निजामाबाद के अंदर बनाने का काम हम करेंगे। और एनआरआई मंत्रालय भी, एजेंडा हमारा घोषित होता था, अरविंद पीछे पड़ गया कि एनआरआई मंत्रालय बनाओ, एनआरआई पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री तेलंगाना के एनआरआई भाइयों बहनों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मित्रों, मोदी जी ने कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग को न्याय करेंगे, एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर दोनों ने बैकवर्ड क्लास को अन्याय किया है। केसीआर ने 2014 में कहा था उनकी पार्टी का बहुमत दीजिए, हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद बन गए ना, अब अपने बेटे को बनाना चाहते। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ माड़ीगा समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है, हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी ओबीसी और एसटी में देकर
उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए?